यहाँ पुल नहीं देंगे बनाने के लिए, हम लोग तो भाज करके मर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे लुकाने के लिए? हम लोग यहाँ पुल बनने नहीं देंगे। ये पुल जो है महानंदा से जुड़ा हुआ है, ये नदी यहाँ अगर पुल बन जाता है तो यहाँ से कम 7-8 पंचायत का जो है बर्बादी होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 अंतर्गत बैसा प्रखंड के MRL 05 धर्मबाड़ी से कुट्टी घाट भाया धुसमल अनगर थाना में बॉक्स ब्रिज का निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस पुल का निर्माण होने से दर्जनों गांव बरसात के समय जलमग्न हो जाएंगे तथा कई परिवार का घर नदी में विलीन हो जाएगी। लोगों ने कहा कि इस पुल की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी विभाग अपनी मनमर्जी करते हुए पुल का निर्माण कर रहे हैं। ये पुल बनने से बरसात के समय महानंदा नदी का जल सीधा इस गांव में प्रवेश कर जाएगी, जिससे हर साल बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कई लोग बेघर हो जाएंगे, खेतीहर जमीन बर्बाद हो जाएगी। इस गाँव के अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर अपना जीवन यापन करते हैं, अगर उनका जमीन छिन गई तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? मालूम हो कि इस पुल का मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के हाथों शिलान्यास होना था। शिलान्यास की खबर सुनते ही सैकड़ों लोग स्तर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया तथा सांसद से पुल निर्माण नहीं कराने की मांग की। वहीं पूर्व मुखिया लाल सिंह बिहारी ने कहा कि पुल का निर्माण ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से किया जाता है, जहां जरूरत लगती है वहां लोग पुल की मांग करते हैं, लेकिन यह पुल देना कहीं से भी उचित नहीं है, बल्कि पुल के निर्माण होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब ग्रामीण पुल निर्माण का विरोध कर रही है तो विभाग को पुल का निर्माण कार्य बंद कर देनी चाहिए और जहां पर जरूरत हो वहां का पुल निर्माण करें। हम सभी इस पुल का पुरजोर विरोध करेंगे। सांसद और विधायक से आग्रह करते हैं कि ग्रामीणों की मांग को सुने। वह ग्रामीण कार्य विभाग के JE सर्वेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों का विरोध का सूचना मिली है, जिसे लेकर वरीय अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। अमेरिका देवी अच्छा की विरोध कर यहाँ पुल नहीं देंगे बनाने के लिए, हम लोग तो बस करके मर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे लुकाने के लिए? तो आप लोग मना यहाँ विरोध कर रहे हैं? हम यहाँ नहीं जाएंगे पुल बनाने के लिए, हम लोग विरोध करते हैं। लाल बिहारी सिंह अच्छा आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण? ये कारण जो है यहाँ जो पुल का जो निर्माण हो रहा है, ये इसकी भौगोलिक स्थिति को पहले इंजीनियर लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी एरिया का कहीं भी एक पुल बनता है तो उसकी भौगोलिक देखिए कि उसकी भौगोलिक हालत क्या है। आप ऐसे जगह पर पुल का जो निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ महानंदा से इसका लगाव है और यह ये कनखई का मोहना है, जिससे यहाँ अगर पुल बन जाता है तो यहाँ से कम 7-8 पंचायत का जो है बर्बादी होगा। पहला नंबर ये कंजिया, दूसरा चंदेल, तीसरा झुसमल, ये जो है बलवा गोस्तरा, मुगरा पियाजी, उसके बाद कनफलिया होगा, काने मांदी। जब तक कि वहाँ जाकर के कनखई में नहीं मिलता है तब तक हजारों लाखों एकड़ की जमीन फसल क्षति होगा और लोगों का घर द्वार बह जाएगा, न जाने कितने घर लोग जो है गृहविहीन हो जाएंगे बाढ़ के, और लाखों जो हजारों जो छोटा छोटा ये हमारे पक्की सड़क बनाए हैं, कच्ची सड़क है, सब वह ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि इसका महानंदा से लगाव ना है, इसका पानी यह सीधी तो ये लेकर के दक्षिण तक बहाव लेकर के चल देगा। सड़क क्या कहीं ना कहीं बांध का काम करता है? ये बहुत बड़ा बांध का काम करता है। जैसे कि हम पहले ये हमारा पहले जैसे कि हम चेतलिया पंचायत के मुखिया थे, 78 में हम मुखिया बने, वहाँ बोचागाड़ी में वाहन बना गया तो वहाँ का जो असर हम लोग का इधर कम आया। फिर इस रोड को यहाँ से लेके जयरामपुर तक जो बांध दिया गया तो इसका हम लोग का इस एरिया का जयरामपुर हुआ, पलनकाप हुआ, झुसमल हुआ, ये गांव तेतलिया कंजिया कवाटली वगैरह जितना हुआ सबका एक सुरक्षित हुआ। बहुत बड़ा ये बांध का काम करता है, इसलिए इस रोड पर यहाँ पीरगाछी से लेकर जयरामपुर होता हुआ आपको बलिहारपुर तक इस रोड पर कहीं भी पुल का निर्माण नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग गौर। कौन सा जगह है जो जिस जगह पर पुल निर्माण हो रहा है? ये पीरगाछी चौक पीरगाछी है और यहीं पे पुल का निर्माण हो रहा है। पुल का निर्माण हो रहा है तो आप लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं? पूरा विरोध, इसलिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। 4-5 पंचायत का आदमी को मारना एक बराबर होता है। हम लोग यहाँ पुल बनने नहीं देंगे। ये पुल जो है महानंदा से जुड़ा हुआ है, ये नदी यहाँ जो है मतलब हम लोगों का 4-5 पंचायत का आदमी का ध्वस्त कर देगा, इसलिए हम लोग पुल नहीं बनने के बाद तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। भैया हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 34-55 मक्के के बीज, इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं, इसके दाने भी वजनदार होते हैं,
इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।